नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। स्वागत है आपका आज का इतिहास कार्यक्रम में। आज का इतिहास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं तारीख विशेष से जुड़े हुए कुछ खास घटनाक्रमों के बारे में, कुछ खास शख्सियतों के बारे में और उनकी जन्म या किसी और घटना के बारे में जो उस तारीख विशेष से जुड़ी हुई हो। आज यानी कि 11 अप्रैल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पार्किंसन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत में सेफ मदरहुड डे के तौर पर मनाया जाता है। सेफ मदरहुड डे यानी कि सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन की खासियत के बारे में बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 11 अप्रैल के दिन ही 1964 में दो हिस्सों में बंट गई थी और वह 11 अप्रैल का ही दिन था जब 1997 में केंद्र में 10 महीने पुरानी HD देवगौड़ा सरकार विश्वास प्रस्ताव हार गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य पार्टी थी और उसके बाद में ये विभाजित हुआ। पहली पार्टी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया और दूसरी विभाजित पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नाम दिया गया। आज के दिन इस्लामाबाद में भारत के प्रख्यात गायक सोनू निगम के कार्यक्रम स्थल के पास ही 2004 में एक कार में बम विस्फोट हुआ था। आज के दिन 1970 में अमेरिका का अपोलो 13 चंद्र अभियान के लिए रवाना हुआ था। 1976 में स्टीव वॉजनिक ने पहला एप्पल कंप्यूटर भी आज के दिन बनाया था। 1983 में बेन किंग्सले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। आज के दिन 1983 को बेन किंग्सले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। गौरतलब बात यह है कि गांधी फिल्म जो है दो भाषाओं में बनी थी और इसमें महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित मुख्य प्रसंगों को दर्शाया गया था और हिंदुस्तान में यह सुपर डुपर हिट पिक्चर साबित हुई थी। 1987 में केंद्र में 10 महीने पुरानी HD देवगौड़ा सरकार विश्वास प्रस्ताव आखिरकार 11 अप्रैल को ही हारी थी। सन 1924 में पहली मेंस कॉलेज स्विमिंग चैंपियनशिप इसी दिन शुरू हुई थी। 11 अप्रैल को ही ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला 1930 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 11 अप्रैल को ही 1921 में रेडियो में खेलों की पहली लाइव कमेंट्री शुरू की गई थी। भारत में अग्नि परीक्षण अग्नि मिसाइल 2 का परीक्षण 1999 में आज ही के दिन किया गया था। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का हस्ते हस्ते बलिदान देने वाले युवा क्रांतिकारियों में से एक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का निधन 1910 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का निधन 11 अप्रैल को ही 2009 में हुआ था। मगर ऐसा नहीं है कि इस तारीख को बहुत बुरे काम हुए, कुछ अच्छे काम भी हुए थे, कुछ अच्छे लोग भी इसी दिन पैदा हुआ थे। भारत के महान विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 को इसी दिन हुआ था। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का भी 11 अप्रैल 1869 को जन्म हुआ था। भारतीय बॉलीवुड सिनेमा के सदाबहार हीरो और गायक की बात करें तो कुंदन लाल सहगल का जन्म 11 अप्रैल को 1904 को ही हुआ था। कुंदन लाल सहगल ने अपने समय में बेहद धूम मचाई थी भारतीय बॉलीवुड के सिनेमा जगत में। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रामनाथन कृष्णन का जन्म 1937 को इसी दिन हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल का भी जन्म 1946 को इसी दिन हुआ था। 11 अप्रैल को टेलीविजन अदाकारा रोहिणी हट्टंगड़ी का 1951 में जन्म हुआ था। तो ये थी कुछ उन हस्तियों की जानकारी जो इस दिन पैदा हुई थी। फिलहाल आज के इतिहास में इतना ही। आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।